दो हज़ार सत्रह बी टेक मैं पास आउट हूँ और उसके बाद मैंने दो हज़ार पंद्रह से ही आई स्टार्ट वर्किंग ऑन स्टार्टअप दैट वॉज अबाउट ऑनलाइन टिफिन सेंटर जयपुर बेस्ड टी था तो उसके बाद जैसे कि जैसे ही बी टेक मैंने कम्प्लीट की तो उसी पे मैंने वर्क किया बट कुछ टाइम के बाद काफ़ी दिक्कतें आती हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो फिर मार्केटिंग सीखने के लिए अब बेस से चालू करते हैं तो फिर मैंने मार्केटिंग एक फर्म ज्वाइन करी तो उनका काम था टाटा स्काई बेचना जैसे कि जयपुर में शॉप्स हो गए ठीक है कमर्शियल शॉप्स शॉप्स हो गए प्लस आपके जितने भी रेजिडेंशियल कॉलोनी हो गई तो घर घर जाके फिर उसके बाद में एक शॉप्स पे जाके बहुत मुश्किल काम होता है हेलो स्टूडेंट्स आज आप सभी को मैं मिलाने वाली हूँ लैब के एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अपने गोल को परस्यू करने के लिए हर मुमकिन चीज़ कर डाली इन्होंने घर घर जाके क्रेडिट कार्ड्स तक बेचे इन्होंने टाटा स्काई के लिए भी घर घर जाके लोगों को परस्यू किया इतनी मेहनत करने के बाद इन्होंने अपना गोल अचीव किया तो आज हमारे सामने हैं सत्यम शर्मा जी जो कि जी इंस्पेक्टर हो चुके हैं और ये अपने लाइफ के सारे हार्डशिप्स के बारे में मुश्किलें जो इन्होंने फेस करी किस तरीके से ये इस मुकाम पे पहुंचे सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आप थोड़ा सा अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए हमारे स्टूडेंट्स को हेलो एवरीवन सो माय नेम इज सत्यम शर्मा और अभी एसएससी सीजीएल 2023 mm -hmm. में मुझे पोस्ट मिली है जीएसटी इंस्पेक्टर की और इससे पहले सीएचएसएल 21 में मुझे पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी जिस मेरी रैंक थी 1108 सी एच एस एल दो हज़ार बाईस में मेरी रैंक थी ऑल इंडिया चार सौ ग्यारह जिसमें मुझे जे एस ए इन एफ एच डिपार्टमेंट पोस्ट मिली और सी जी एल दो हज़ार बाईस में भी आ, मुझे पोस्ट मिली थी कैग ऑडिटर की बट मैं

आप मतलब इस तैयारी में आप लगे रहे जब तक आपका ड्रीम परस्यू नहीं हो गया जी, जी. जब तक आपने अपनी चीजें हासिल नहीं कर ली जी. बहुत खुशी है मुझे ये जान के कि इन्होंने एक बार जैसे लोगों का अपना जब ड्रीम परसी हो जाता है वो रुक जाते हैं ज्यादातर लोग नौकरी के लिए मेहनत करते हैं पर इन्होंने सोचा था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो ये देते रहे और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जिसको सीजल देना होता है वो सीजल की तरफ लगा रहता है आपने सारे पेपर दिए सी एच एस एल दिया सीजल दिया फिर आप यहाँ तक पहुँचे बहुत ही खूबसूरत बात है ये एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी ये जो आपकी प्रिपरेशन की पूरी जर्नी रही है एक बार प्रेपरेशन की जर्नी के बारे में बताइए कि आपके इस प्रिपरेशन के दौरान सब कुछ बहुत स्मूथ था पेरेंट्स का रिलेटिव का पूरा सपोर्ट था क्या-क्या या फिर आपने कोई हार्डशिप्स फेस किए या फिर लाइफ एकदम से बेड ऑफ रोजेस थी आपके लिए अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा बिल्कुल भी बेड ऑफ रोजेस तो बिल्कुल भी नहीं थी इवन अगर मैं सही बात बताऊं तो काफी ज्यादा मुश्किलें आई थी क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है वो इस बारे में नहीं बात करते हैं क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती है एक स्टूडेंट होता है वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करता है जैसे रिलेटिव्स हो गया सोसाइटी हो गया एज हो गई और अभी क्या करोगे तुम पेरें रिलेटिव्स का फोन आता है शादी कब करोगे ठीक है बीटेक इंजीनियरिंग के बाद स्टार्टअप मैंने चालू किया था दैट डिडंट गो वेल थोड़ा सा अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए क्या किया था आपने

बट जब मैं इसके पीछे के कारणों के बारे में गया कि क्यों बंद हुआ तो मार्केटिंग सही थी कि नहीं थी तो फिर मुझे मार्केटिंग सीखनी पड़ी क्योंकि तब भी मेरा यही था कि मैं यही स्टार्टअप बाद में रन करूँगा इसको कंटिन्यू करूँगा तो फिर मार्केटिंग सीखने के लिए अब बेस से चालू करते हैं तो फिर मैंने मार्केटिंग एक फर्म ज्वाइन करी तो उनका काम था टाटा स्काई बेचना जैसे कि जयपुर में शॉप्स हो गए ठीक है कमर्शियल शॉप्स शॉप्स हो गए प्लस आपके जितने भी रेजिडेंशियल कॉलोनी हो गई तो घर घर जाके फिर उसके बाद में एक शॉप्स पे जाके बहुत मुश्किल काम होता है ये मैं तो, सोच रही हूँ अभी मैं यही सोच रही थी जब मैं आपसे बात कर रही थी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक काम होता है मतलब भगवान की कृपा होती है उनके ऊपर कि सुबह से लेकर शाम तक पेरेंट्स सब कुछ करके देते हैं आप रूम में होते हो आपको सिर्फ पढ़ना होता है दिनों टाइम का खाना मिलता है लेकिन मैं सच में बताना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि हार्डशिप्स देखो और देखो कि लाइफ अगर अच्छी है तो बहुत कम लोगों के लिए होती है आप समझो ना जिसके पास सिर्फ पढ़ने का काम होता अच्छा। है पढ़ने के संग संग ये सारी चीजें मैनेज करने के बाद ये सच में बहुत ही ज्यादा मिसाल देने वाली बात है और बताइए थोड़ा सा तो जैसे कि मेन चीज जैसे मैं आई वाज रेडी फॉर द स्ट्रगल बट मेन चीज क्या आ जाती है सोसाइटी की सोसाइटी की बी टेक किया हुआ लड़का है टाटा स्काई बेच रहा है इवन जो मेरे से थोड़े जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ इवन उससे भी थोड़े नीचे के अगर बात करें पे स्केल के कॉलेज जो प्लेसमेंट के बेसिस पे जज करते हैं तो वो लोग भी अच्छा खासा बाहर पैसा कमा रहे हैं आपका लड़का क्या करता है शर्मा जी तो शर्मा जी हमारे पिताजी ने कहा बिल्कुल अभी टाटा स्काई बेचता है यही बताएंगे जब यही कर रहे हैं तो तो फिर टाटा स्काई ये महीने मैंने छह महीने काम किया टाटा स्काई बेचा और तो ग्राउंड लेवल की मुझे रियलिटी पता चल गई कि मार्केटिंग कैसे करते हैं लोगों से बात कैसे करते हैं कन्विंस कैसे करते हैं बट स्टिल मुझे फंड्स नहीं मिले अपने स्टार्टअप के लिए तो फिर वो सपना मुझे अपना वहीं छोड़ना पड़ा सबसे पहले तो सल्यूट है आपके पिताजी को जिन्होंने लोगों का जवाब इतना कॉन्फिडेंटली दिया क्या करता है आपका लड़का मेरा लड़का टाटा स्काई बेचता है यहाँ का जवाब उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली दिया तो ये उन्हीं के लड़के हैं ये जिन्होंने अपने पिताजी को दोबारा से ये बोलने का मौका दिया कि अब मेरा लड़का जीएसटी इंस्पेक्टर है जी। ये ताली तो आपके पिताजी के लिए बम्स मेरे भी आ गए क्योंकि एक्चुअल में अगर माँ बाप का सपोर्ट होता है ना तो भले ही रिलेटिव्स का सपोर्ट नहीं है आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर ले जाते हो अच्छा एक चीज बताइएगा आपके ये जो स्टार्टअप मैंने जैसे आपने मेरे को बताया कि आपने स्टार्टअप ये पूरा किया तो दो साल लगभग लग चला होगा हाँ। तो आपका बीटेक खत्म हुआ दो साल आपका ये हुआ तो इतने दिन जैसे पढ़ाई में जब टच नहीं होता है ना मैं पर्सनल सारे स्टूडेंट्स भी जानना चाहेंगे तो दोबारा से अपने आप को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जैसे कोई भी है आपके भी संग अगर कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि आप पढ़ाई से लंबे समय तक के लिए दूर रहो तो उस समय में पढ़ाई से दोबारा उसी मोटिवेशन के संग तो क्या एक ऐसा मोटिवेशन था जिसने आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ मोड़ा अचानक से प्राइवेट से तुरंत आप गवर्नमेंट के तरफ कैसे जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मार्केटिंग की थी हुँ। फिर उसके बाद में स्टार्टअप नहीं चला पाया तो जैसे बी मेरा कोर बैकग्राउंड रहा है तो मैं वेब डेवलपर एज ए वेब डेवलपर मैंने जॉब करी फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आई कि आउट ऑफ इंडिया जाने की सो आई आस्क माय पेरेंट्स कि आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड इंडिया गुड अपॉर्चुनिटी सो so, उन लोगों ने मना कर दिया कि आई डोंट वी डोंट वांट यू टू गो आउटसाइड इंडिया आप यहीं पे रहिए यू हैव पोटेंशियल अगर आप अपने आप पे भरोसा हम पे भरोसा करिए आप कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए आप तो फिर उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं वहां पे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि आप पोटेंशियल है अभी तेरे अंदर कि तू कर सकता है तो फिर वहाँ से मैंने क्या किया कि जॉब चल रही है मेरी वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा तैयारी मैंने स्टार्ट किया और मेन चीज़ क्या थी कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट इंजीनियरिंग में पढ़ाई मैंने नहीं की थी अब मुझे ऐसा लगता है इंजीनियरिंग <laughs> में पढ़ाई कोई नहीं करता है और जो इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं करता है लेकिन इंजीनियरिंग एक ऐसी डिग्री है मैं पर्सनली खुद जानती हूँ क्योंकि जो लैब के को हैं वो भी इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग एक ऐसी डिग्री होती है जो आपको सब कुछ सिखा देती है आपको क्राइसिस मैनेजमेंट सिखा देती है क्योंकि आपने आखिरी के समय पढ़ा होता है एग्जाम के टाइम पे तो ये आपको आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री ने कुछ नहीं सिखा के भी बहुत कुछ सिखा दिया जिसके बेसिस पे आप यहां पे आप हैं। तो आपकी जर्नी में काफी हार्डशिप थे लेकिन एक कहावत है कि हर सक्सेस के पीछे कोई ना कोई होता है तो मैं सच में आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके सक्सेस के पीछे कौन सा वो ऐसा इंसान है आपके पेरेंट्स रिलेटिव कोई कोई एक ऐसा इंसान होगा जिस जो

सिर्फ ये सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं बट हाँ मेरी जर्नी में भी बहुत सारे लोग थे जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव की बात करें तो दो चार रिलेटिव हैं ऐसे हाँ। जैसे मेरे भैया हैं एक कज़िन है तो वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं अच्छी आई रैंक पे हैं तो 2020 का जब मैं पॉइंट फोर नाइन मार्क्स से रह गया था हाँ। तो टैक्स असिस्टेंट की सबसे कम जाती थी उस समय हाँ, सी बी एस ई डिपार्टमेंट में सो ही हाँ, मी की कि इस बार हो जाएगा क्या तो मैंने कहा हो तो जाना चाहिए नहीं भी होगा तो बिल्कुल मार्जिनल मार्क्स से रहूँगा मैं तो उसने कहा यार इंस्पेक्टर की तैयारी करो हमारे डिपार्टमेंट में भी इंस्पेक्टर्स आते हैं तो हमने कहा वो तो हमारे आ, सपने में भी नहीं आता कट ऑफ ज़्यादा जाती है जनरल कैटेगरी से तो उन्होंने कहा क्यों नहीं क्यों नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हो यार सीन थोड़े ना लगे हुए होते हैं जो इंस्पेक्टर जो बनते हैं कर सकते हो बी हो पोटेंशियल है थोड़ा टच छूटा है पढ़ाई से बट तुम करते रहोगे ना कंसिस्टेंसी मत छोड़िएगा तो फिर बहुत बढ़िया बात आपके भैया ने बोली आपके ही लाइफ के इतने स्ट्रगल्स देख के मुझे अपना सच में एक बहुत अहम दिन याद आ गया अपनी लाइफ का आपने इंग्लिश आप जिससे पढ़ते हैं मतलब आप जो मैं आपके सामने हूँ इस टाइम पे ये आपको बताना चाहूंगी मैं सबसे वीक सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश ही था मतलब एक होता है ना कि अभी भी आपको डर हो जाए जब आपके दोस्त आपसे बोलने लगे कि यार रीन ये तुम कैसे इंग्लिश बोल पाओगी कभी मतलब जिसने डू डज डिड के बाद भी वर्ब का सेकंड फॉर्म में लगाया करती थी ही डिड हेल्पड मी मैंने वो सफर जब वो सफर से इस सफर तक मैं yes. पहुंची हूँ सबसे अहम रोल होता है उन लोगों का जिनसे आप सराउंडेड होते हो yes. दूसरा अहम रोल होता है आपका खुद का। मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं एक्चुअल में इंटरव्यू लूंगी जिसको खुद इंग्लिश नहीं आता था वो इंग्लिश पढ़ा के उसके स्टूडेंट्स ऐसी जगहों पर होंगे मतलब एक्चुअल में घूस बम हैं ये सोच के और ये चीज मैं आपसे भी सबसे शेयर करना चाहूंगी अपने अंदर का मत छोड़ो सबसे बड़ा हीरो होता है ना कहीं आपको पता था कि आप कर सकते हो तो आप कर ले ले गए। ये थी जब मैं सीसीएल की प्रिपरेशन में आया था सबसे पहला यह था की आपको अपने आप पे भरोसा होना पड़ेगा इफ यू बिलीव योर सेल्फ देट यू एग्जामिनेशन प्लस मेन चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लक भी होता है बहुत जगह बहुत मार्जिनल मार्क्स से रह जाते हैं तो तीन चार दिन ओबवियस ही बात है हमें गिल्ट रहता है नहीं हो पाया काश एक घंटा और पढ़ लेते ये नेगेटिव नहीं किया होता मैंने आधे नंबर से रह गया बट मेन चीज़ ये एक मूवी आई थी मान जी तो उसमें क्या हुआ था वो बोलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर थे उसमें ले फिर से आ गया क्या सोचा था हार जाएंगे

तो दो बार मेरे थर्टी फाइव प्लस मार्क्स आए आउट ऑफ फिफ्टी जी जी एस में भी और इंग्लिश पे पे थोड़ा कम फोकस करता था इस बार मैंने इंग्लिश को की जो कमज़ोर चीज़ है ताकि बाकी दो सब्जेक्ट में तो डिफरेंस बना लूंगा मैं तो इंग्लिश में एटलीस्ट जो टॉपर्स हैं या फिर जो अच्छे रैंक लेके आ रहे हैं कम से कम उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा डिफरेंस ना हो मेरे और उनके मार्क्स में सो so दैट वो बैलेंस आउट हो जाए तो इस बार भी मैंने इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ी और आपसे पढ़ी थी मैंने इंग्लिश

मेंस के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं तो वो मैंने दो बार और लगा ली थी एक प्री के पहले लगा ली थी और एक प्री के बाद में मैंने लगा ली थी वही सेम क्वेश्चन ये बुक मैं छः सात बार कर चुका हूँ और इसके अलावा मैथ्स में मैंने मैं ना कुछ किया है और ना कुछ करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे बाहर नहीं आता जैसा कि हम पैटर्न देखते हैं तो मैथ्स के लिए तो मुझे लगता है कि अगर आपके कंसेप्ट ठीक है एक बार पढ़ा हुआ है तो आप क्या कीजिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए प्लस मिक्स आपकी मॉक्स में भी होती रहेगी जो जो भी मॉक्स लगाओगे तो टॉपिक वाइज करने से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी प्लस आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे तो वो एक तरीके से रिविजन भी हो गया आपका और अगर बात करते हैं तो इसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था कि एक घंटा मुझे आ,

ठीक है, है तो ये ये बात गौर करने वाली है कि आप कहीं से भी वीडियोस लो आप यूट्यूब से लो आप ऐप से पढ़ाई करो लेकिन आपकी जो खुद की तैयारी है सेल्फ स्टडी जैसे हम कहते हैं वो छह घंटे इन्होंने करी जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल करने के लिए अपना ड्रीम परस्यूव करने जी. के लिए अच्छा इस छह घंटे में जो आप खुद करते थे इसके अलावा आपका ये जो

तो ही सेड कि सत्यम भाई आपकी ना जीएस वीक है आई सजेस्ट कि आप अमन सर से एक बार ट्राई करिए पढ़ के देखिए तो उन्होंने मुझे 2021 के बाद उन्होंने बताया तो मैंने 2022 के लिए मैंने सर की सबसे पहले तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ली थी करंट अफेयर की तो मुझे सबसे सही चीज़ ये लगी कि जो मेन चीज जीएस में होती है रिटेंशन की तो वो मुझे वापस रिवीजन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ी वो रिटेन रही मुझे तो वो एक बार मैंने एक बार पढ़ा और बिल्कुल सर बिल्कुल स्टोरी की तरह बताते हैं कि अगर आज भी आप मुझे पूछोगे तो मुझे मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज भी बता सकता हूँ जैसे कि अभी इस बार भी मैंने तेईस के लिए पढ़ा पढ़ा था किबी थू के अंदर कुछ हुआ कुछ गाँव वगैरह कुछ हुआ तो मुझे याद है अभी भी ये चीज़ें तो बिल्कुल स्टोरी की तरह बताते थे तो फिर मैंने करंट अफेयर किया फिर उसके बाद में मैंने सर का कोर्स लिया था 2022 के लिए भी और 2023 के लिए भी मैंने कोर्स लिया था खासकर 2023 पे ज़्यादा फोकस मेरा जीएस और इंग्लिश दो चीज़ें ही पढ़ी बाकी मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी इस बार अच्छा तो आपने पूरा का पूरा फोकस इस पे किया जीएस जी और इंग्लिश पे जी, जी। और बाकी आपका हो गया इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो तीनों सेक्शंस में से आपको सबसे ज्यादा आपका वीक सेक्शन क्या था कोई एक चीज होती है ना जी, देख जी, के डर लगे लगे कि हम ये नहीं कर पाएंगे ए, क्योंकि बहुत से हमारे बच्चे हैं जो सारी चीजें करते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो उनको लगता है नहीं ये हमसे नहीं होंगी ऐसी कौन सी चीज मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना रीडिंग पे थोड़ा फोकस देना चाहिए क्योंकि रीडिंग आजकल ना इंग्लिश ऐसे नहीं आ रही कि

इसमें तो मेरी सोच आपसे अलाइन होती है क्योंकि सुबह द हिंदू को सात बजे रखने का मेन एजेंडा यही था मुझे पता है कि जो सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन है मेरी लाइफ में यही फिलोसफी मैंने फॉलो करी है हमेशा से जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगे उसको सुबह सुबह हरा दो तो सबसे ज्यादा डर जो स्टूडेंट्स को वो वो कैबलरी से लगता है याद हो जाती है प्रीवियस ईयर याद सब कर लेते हैं लेकिन रिटेन नहीं रह पाती है तो वो कैबलरी से डर लगता है और रीडिंग से डर लगता है तो मैं सुबह सात बजे द हिंदू इसलिए कराती हूँ ताकि वो डर इंसान सुबह सुबह फाइट करे और उससे बाहर निकले सी देखो रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है आप लोग जरूर से करो क्योंकि बाकी चीजें रट सकते हो आप वो नहीं रट सकते हो तो चलिए तो आपकी इंग्लिश और जीएस में स्पेशली लाभ ने आपकी मदद करी यस यस और वो कैब मुझे लगता है कि वो कैब आप डेली करिए रीडिंग जो है रीडिंग डेली और वो कैप डेली करिए क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं कि आप ना पंद्रह दिन में नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि ये आप इंग्लिश में कर सकते हैं रीडिंग और वो कैब डेली प्लस ग्रामर के तो रूल्स वगैरह देख लीजिए और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लीजिए मेन आपका फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर पे चाहे मैथ्स की बात करें रीजनिंग की बात करें जो जैसे जो बिगनर्स हैं उनको तो ऑब्वियसली तो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे टीचर से पढ़िए फिर साथ के साथ उनके क्विजेज लगाते चलिए किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से तो वो क्विज़ होता रहेगा प्लस आप जो मोक है तो मोक आपका जैसे मान लीजिए एटलीस्ट आपका थर्टी थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मॉक स्टार्ट करें बट बहुत सारे एसएससी में बच्चे ऐसे हैं जो हर बार कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जाते हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ना प्रीवियस ईयर पे फोकस रखिए एक ही चीज़ को ज्यादा बार पढ़िए अलग अलग रिसोर्सेज के चक्कर में मत पढ़िए मैथ्स में प्रीवियस ईयर मोर देन सफिशियंट है मेन्स के टॉपिक वाइज ले आइए रीजनिंग में भी यही प्रीवियस ईयर अभी थोड़ा मेंस में क्या हुआ कि चेंज हो गया थोड़ा सिलेबस हु, तो उसके खूब सारे प्रैक्टिस करिए जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन बेसिस पे आने लगे हैं इंटरफेरेंस कोर्स ऑफ एक्शन पे आने लगे हैं तो उनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बाकी इंग्लिश में भी टॉपिक वाइज आप लेके आइए पांच सौ एरर के क्वेश्चन है एरर का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझे लग रहा है पाँच सौ ग्राफ वो कर दिया आपने हु, हु, तो इससे ज्यादा क्या ही आ जाएगा अच्छा तो एक बात बताइएगा असत्यम आपने मॉक कितने लगाए होंगे अपना जैसे अगर मैं 2023 की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने कितने मॉक लगाए होंगे अगर 2000 वैसे तो काफी मॉक लगाए हैं जब से मैं तैयारी कर रहा हूं <coughs> बट अगर 2023 की बात करते हैं तो जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ था तब से मैं डेली मॉक लगाता था, था। प्री के लगाए मैंने और जैसे ही प्री का मेरे अच्छे स्कोर आने लगा कि आई डेफिनेटली क्लियर प्री तो हम क्या करते थे तो मुझे क्या बाद में दिक्कत नहीं आएगी जैसे कि क्या होता है दाए... सवा दो घंटे का मेंस का होता है क्योंकि मेरिट तो उसी के बेसिस पे आएगी और प्री का मुझे लग रहा है कि हो जाएगा क्योंकि मॉक के बेसिस पे ही वहाँ होता है तो वीकेंड्स पे क्या करता था मेंस के मॉक लगा लिए तो जैसे कि वहां क्या है आपको जैसे लाइव मौक होते हैं तो वहां पे भी आपको रैंक पता चल जाती है कि आपको कंपटीशन कहाँ पे है तो अगर मैं काउंट की बात करूँ तो लगभग लगभग आपने साठ से सत्तर मॉर्स मिनिमम लगाए होंगे नहीं, नहीं, इससे जा, भी ज्यादा सौ सौ से ज्यादा सौ से ज्यादा देफिन, सौ से ज्यादा संडे आप शुरू से ही मॉक लगाते जा रहे थे के, मेंस के प्री के साथ साथ जी, जी, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि जब आप प्री के मॉक लगा रहे हो प्री की हमने प्रैक्टिस करी तीस चालीस परसेंट सिलेबस नपटा के प्री का लगाना शुरू कर दिया ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे स्टूडेंट्स का की हम प्री के मॉक लगाना शुरू कब से करें सो जब आपका चालीस तक सिलेबस हो जाए आप प्री के मॉक लगाना शुरू कर सकते हैं जी. और प्री के दौरान मेंस भी सैटरडे संडे आप लगाओ जी. तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा दिस इज वेरी नाइस थिंग प्लस आप क्या फेमिलियर हो जाओगे चीजों से जैसे कि कोई मैराथन अभी तो जैसे बात करते हैं अभी नौ महीना है इनके पास तो क्या होता है ना कि इस बोलूंगा एक दिन दस घंटे पढ़ लिए दो दिन पढ़ लिए फिर आपने ब्रेक ले लिया ऐसा ना करके डेली अगर आप छह सात घंटा पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको बहुत क्योंकि ये मैराथन है पांच किलोमीटर की स्प्रिंट नहीं है पांच सौ मीटर का बहुत बढ़िया बात है अच्छा हमारे ये जो आप अपनी पढ़ाई करते थे किसी के संग करते थे किसी को आपने बताया इस पूरे अपने पढ़ाई के दौरान को या आपका फ्रेंड जो जो लैब से भी पढ़ता था उसको कुछ फनी इंसिडेंट जी जी अभी 2023 की बात है तो प्री का एग्जाम था तो वन ऑफ माय फ्रेंड उसका नाम भी मैं बता देता हूँ अजयत नाम है उसका सो उसने उसने भी काफी एग्जाम्स क्रैक की हुई हैं तो अभी ही वर्किंग इन अलवर है जगह तो वहां पे ई एस आई सी में है वो तो उन्होंने मेरे से दो दिन पहले पूछा यार सत्यम भाई क्या करूं लास्ट टाइम का कुछ बता दे क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही होते हैं कि यार लास्ट टाइम मैं क्या करूं बता दे

और एक डेढ़ घंटे में भाई पांच क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात हो जाती है आप उनको भी ले आते हैं यहाँ पे उनका भी इंटरव्यू <laughs> हो जाता है आप जहाँ कहीं भी हैं सबसे पहले आपको भी बधाई हो और आपको भी आना चाहिए था यहाँ पे आपका भी इंटरव्यू हो जाता मतलब आपका जो पूरा ग्रुप और आपका अगर मैं बात करूँ तो दो सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डर लगता था एक जीएस और एक इंग्लिश इन दोनों का डर कैसे आपने दूर किया किस तरीके से जीएस का तो मुझे अमन सर मिल गए थे तो वो तो डेफिनेटली चला ही गया उसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है क्योंकि मेन चीज रिटेंशन होता है जी

दो क्विज आती हैं, एक तो नोट्स हो गए और एक क्विज हो गई तो क्विज़ में सिर्फ नाउन के क्वेश्चन रहे और बहुत अच्छे रिलेवेंट क्वेश्चन थे काफी और ऐसे ही आप की बात कर रहे हैं जो आपने कंटेंट पढ़ा है जी जी अच्छा लैब के कोर्सेज की बात कर हाँ। रहा हूँ मैं तो उसके अंदर प्रैक्टिस साथ के साथ होती रही प्लस प्रीवियस ईयर पे मैं काम करता रहा प्लस रीडिंग पे जो मेरा फोकस रहा ना तो एक तरीके से आपकी वाकई में मेंटल जो एबिलिटी होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है अगर आप रीडिंग पे फोकस रखते हो आप हमेशा डिफिकल्ट लेवल रीडिंग करो द हिंदू उठाओ तो उससे हिंदू, आपका मतलब इट इज वन स्टॉप सोल्यूशन आपका बहुत ज्यादा है हिंदू मैं कहूंगा की ये बेस्ट है चलिए तो हमें काफी चीजों का आइडिया लगा अच्छा एक चीज बस एंड करते हैं वीडियो एक चीज आपसे जानना चाहूंगी आपका जैसे आपने बताया सबसे वीक जीएस था और इंग्लिश था लेकिन सबसे क्या था या रीजनिंग कॉन्स सबसे स्ट्रांग था तो बस जल्दी से तीन स्ट्रैटेजी ऐसी बता दीजिए जो अगर किसी का भी कॉन्स स्ट्रांग है देखो अगर आपका जीएस और इंग्लिश स्ट्रांग है उसकी आप आपने नहीं बताई क्योंकि वो सर का ऐसा मानना है कि जो इनका जीएस और इंग्लिश था वो वीक था लेकिन सत्यम बताना चाह रहे हैं कि कौन की स्ट्रैटेजी एक बार शेयर करिए शायद हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत फायदा हो उससे बस शुरू हो जाइए तीन लाइन में पॉइंट नंबर वन क्वाइंट्स की बात करें तो अगर आप बिगनर हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़िए टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं प्लस जैसे ही आपका वो टॉपिक खत्म हुआ तो आप क्या करिए उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाइए प्री के लगा सकते हैं बिगनर है तो डायरेक्ट मेंस के मत उठाइएगा तो प्री के पिछले तीन चार साल के आपने वो लगा लिए उसके क्वेश्चन प्लस उसके बाद में क्या हुआ कि मोक प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं जैसे स्टार्टिंग में बिगनर है तो फोर्टी परसेंट के बाद आप करते हो धीरे धीरे मोक स्टार्ट करते हो जैसे पहले वीकेंड में एक किया फिर बाद में अल्टरनेट तो मिक्स प्रैक्टिस वहां से होती रहेगी आपकी तो ऐसे जैसे मान लीजिए पंद्रह सोलह टॉपिक्स हैं तो वो कंप्लीट हो गए उसके बाद क्या करिए आप उसके बाद प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दीजिए मैथ्स में और प्रीवियस ईयर ही फोकस रखिए ऐसा नहीं कि आप इिलिवेंट चीजें कर रहे हैं मैथ्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जो इिलिवेंट हैं काफी मुझे ऐसा लगता है कि रिलेवेंट चीजें बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो मुझे लग रहा है आप सोर्सेज क्यों देख रहे हैं आपके पास सोर्सेज हैं प्रीवियस ईयर रिलेवेंट आपको देखना है तो रिलेवेंट क्या है जो आ चुका है प्रीवियस ईयर में वही तो है मतलब पूरा का पूरा आपने जो किया सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े फिर मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करी और प्रीवियस ईयर एक बार नहीं तीन तीन बार लगाया सेम सेम चीज अगर है। बात करूं पिछले चार साल की तो मैं वो जो बुक बता रहा हूँ टॉपिक वाइज तो मैंने छह से सात बार लगाई है वो अच्छा छह से सात बार आपने यस, लगाया ठीक ये तो बड़ी बात है मतलब ये तो पेशेंस होना भी बड़ी बात है कि हम छह से सात बार उसको लगा पा रहे हैं सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कॉन्सेप्ट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर लगा लेते अच्छा। हैं लेकिन प्रीवियस ईयर सिर्फ एक बार लगाते हैं अच्छा। और अगर दो बार लगा लिया तो लगता है कि हमने काफी ज्यादा लगाया है पर एक्चुअल में अगर आपकी ड्रीम जॉब इतनी बड़ी है तो उसके लिए स्ट्रगल भी बड़ा होता है उसके लिए मेहनत भी बड़ी होती है सत्यम ने एक किताब को छ छे, छे बार लगाया है जो की प्रीवियस ईयर है तो आप भी ऐसा करोगे तो बिल्कुल आपको भी आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी एंड सच में सत्यम मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आपका इंटरव्यू लेके आपकी जर्नी अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा के क्योंकि आप भी लैब के स्टूडेंट हो एंड yes. हम सच में चाह रहे हैं कि ये जो इंटरव्यू की जर्नी है ये हमारी चलती रहे आपके इस पूरी जर्नी से काफी लोग मोटिवेट हो और जल्दी जल्दी आप लोग भी यहाँ आओ मिठाई लेके क्योंकि जो कल सत्यम ने मिठाई खिलाई थी मुझे मैं आपको बताऊं वो मिठाई खाने के बाद एक फैकल्टी को जैसे कि आपने बताया कि सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है दूसरा सबसे ज्यादा खुशी होती है उस टीचर को उस फैकल्टी को जिससे उनका स्टूडेंट पढ़ा है सिलेक्शन लिया है और फिर मिठाई जो खिलाते हैं ना तो उस वो मिठाई घोषम्स दे देती है तो ऐसी मिठाइयाँ मुझे और भी खिलाइए, जल्दी से आइए और पूरी उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आप सभी को बहुत फायदा मिलेगा थैंक यू सो मच थैंक यू सत्यम थैंक यू मैम